हरियाणा के गांव में से प्लास्टिक खरीदकर गांव में ही सड़कें बनाई जाएगी। हजारों वर्ष तक ना गलने वाले प्लास्टिक को अब स्वच्छ भारत मिशन और एनजीओ के सहयोग से सड़कें बनाने में प्रयोग किया जाएगा। 3 जिलों में ग्रामीण क्षेत्रों को इसके लिए पहले चरण में चुना गया है। इसके लिए रोहतक, सोनीपत और इज्जर के गांवों से निकलने वाले प्लास्टिक कचरे के तौर पर एकत्रित किया जाएगा। सस्टेनेबिलिटी विजन फाउंडेशन ट्रस्ट एनजीओ की ओर से गाँव में रिक्शा बेचकर प्लास्टिक कचरा एकत्रित किया जाएगा। वह प्लास्टिक 2 रुपये प्रति किलोग्राम की दर से खरीदा जाएगा। इसके बाद पहले से किए गए समझौते के तहत हरियाणा स्टेट रोड डेवलपमेंट कॉरपोरेशन की ओर से इस प्लास्टिक के सड़कें बनाने में चारकोल के साथ प्रयोग लिया जाएगा। बेंगलुरु, इंदौर और पश्चिम बंगाल के बाद योजना को प्रदेश में लाया है। पहले से प्लास्टिक को रोड बनाने में प्रयोग किया है।